हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नोनी भाई, स्वागत है भाई आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई आप सोच रहे होंगे आज गाड़ी के अंदर हमारी शुरुआत कैसे हुई। नाइस क्वेश्चन भाई। देखो ये शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि भाई देखो आज के टाइम में क्या है ना, मतलब 2019 से ही गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था कि अपनी जितनी भी आने वाली गाड़ियां है ना, एक तो BS6 आएंगी, वो तो पहले ही हो गया था, लेकिन भाई उसमें है ना ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर और आपका जो है सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाँ यही सब चीजें हैं, ये सारी है ना मैंडेटरी हो जाएंगी और इसके बगैर वो गाड़ी बेच ही नहीं सकते डीलरशिप जो है। अगर उनके पास कोई खड़ी भी है तो उनको लगा के देना पड़ेगा तभी वो बेच सकते हैं, अदरवाइज गाड़ी रजिस्टर ही नहीं होगी। तो भाई ये बेसिक मतलब फीचर्स उन्होंने कर दिए। हाँ एयरबैग भी कंपलसरी करा था। तो आज भाई बात करने वाले हैं हम ABS के ऊपर। ABS के ऊपर भाई इसलिए करने वाले हैं क्योंकि है ना आज बारिश हो रही है और मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था। मैंने सोचा था यार जून जुलाई में मौका मिलेगा, जब मानसून आएगा तभी मौका मिलेगा ये ABS वाली वीडियो बनाने का, पर भगवान का देखो भाई कितनी जल्दी बारिश हो गई और आज है ना रोड स्लिपरी है। आपको ABS में अच्छे से समझा सकता हूँ कि क्या चीज है ABS। भाई देखो होता क्या है, आप है ना जैसे कभी भी, वैसे तो पैनिक सिचुएशन के लिए होता है ABS है ना और EBD, दोनों एक तरीके से भाई मतलब जैसे भाई भाई होते हैं ना, वो दोनों भाई भाई ही है एक तरीके से, दोनों साथ में ही काम करते हैं। पहले EBD बता देता हूँ। EBD क्या करता है भाई, उसका मतलब होता है इक्वली ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इक्वली मतलब जैसा कि भाई ये बोलने से ही अपना रिप्रेजेंट कर देता है कि आप जैसे ब्रेक लगाते हो ना, तो चारों टायर्स के अंदर इक्वल ब्रेक अगर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो गाड़ी ज्यादा अच्छे से रुक पाएगी, गाड़ी स्किड नहीं करेगी। तो ये भाई होता है मतलब चारों टायरों में बराबर ब्रेक देने के लिए, क्योंकि भाई जितने ब्रेक पैड घिसते हैं इधर उधर वो अपने आप जो है कर देता है, मतलब उसे अपने आप एक उसके ऊपर वो लगा दिया गया है, मैनेजर बिठा दिया गया है कि भाई तुम्हें है ना चारों तरफ इक्वली ब्रेक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, चाहे ड्राइवर कितनी भी तेज ब्रेक दबाए चाहे कितनी भी धीरे दबाए, वो अपने हिसाब से जो है उतने ही फोर्स को चारों में डिवाइड कर देगा, तो गाड़ी है ना बहुत अच्छे से रुक सकती है। हाँ तो अभी ये बात आ जाती है भाई ABS की। EBD की बात मैंने क्लियर कर दी। ABS होता है भाई एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब पैनिक सिचुएशंस में आप लोग क्या करते हैं, आप जैसे मान लो भाई सीधी सड़क पे आप जा रहे हो, अचानक से आपको आगे से कोई गाड़ी आती दिखी या कोई ऑब्जेक्ट आता दिखा, तो आपने सडन ब्रेक प्रेस करी, तो भाई EBD तो आपको हेल्प करेगा इसमें, लेकिन ABS का भी अपना काम है। जैसे आप सडनली ब्रेक करते हो तो आप उसमें ना भाई पैनिक ब्रेकिंग में ज्यादा तेज ब्रेक कर देते हो, तो फिर भाई गाड़ी आपकी स्किड होती हुई चली जाती है और एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक बार गाड़ी स्किड करने लग गई उसके बाद आप स्टेयरिंग पे ऐसे कंट्रोल अपना खो दोगे, आप कहीं भी घुमा लो स्टेयरिंग, गाड़ी आपकी स्टेबल नहीं होगी, वो घूमती चली जाएगी। तो यही मतलब इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक मतलब नई चीज टेक्नोलॉजी निकाली गई जिसका नाम ABS है। वो क्या करता है, आप कभी भी कितने भी पैनिक ब्रेक कर लो आपका है ना मतलब टायर्स कभी लॉक नहीं होंगे, मतलब स्किड नहीं करेंगे, लॉक तो होंगे भाई वो रुकेगी तो सही, ऑब्वियसली गाड़ी ब्रेक होती है इसलिए, लेकिन भाई वो स्किड नहीं करेंगे टायर बिल्कुल, मतलब चलती रनिंग पोजीशन में अगर गाड़ी है ना तो टायर्स स्किड नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा भाई आपकी गाड़ी स्किड भी नहीं करेगी। तो स्किड नहीं करेगी तो भाई इससे आप अपना स्टेयरिंग का कंट्रोल नहीं खोगे, आप कितनी भी ब्रेक लगा के चाहे आप 100 की स्पीड पे हो 150 की स्पीड पे हो भाई कोई मैटर नहीं करता, आप अगर पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हो तो आप अपने स्टीयरिंग को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, इधर भी घुमा सकते हो इधर भी घुमा सकते हो और आपकी गाड़ी मतलब स्किड नहीं होगी। और EBD का काम होता है वो चारों तरफ इक्वली ब्रेक डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अगर पीछे ब्रेक ज्यादा चलेगी तो गाड़ी ड्रिफ्ट मार जाएगी आपकी मतलब घूम जाएगी, आगे ज्यादा चलेगी तो भाई पिछले टायर घूमेंगे नहीं, गाड़ी लेट रुकेगी, तो इसलिए ना ये दोनों साथ में ही काम करते हैं। तो अभी मैं आपको एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो एक बार सबसे पहले तो भाई कैमरे निकाल लेते हैं होल्डर से। तो भाई आप सड़क देख सकते हो, मतलब सड़क क्या है ये पानी देख सकते हो आप, अभी तो फिलहाल आपको पानी ही दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सड़क भी है, देखो वाइपर ऑन करता हूँ मैं अपना, एक सेकेंड, ये देखो भाई ये गीली सड़क पे हम आ चुके हैं और मैं आपको है ना पैनिक ब्रेक करके दिखाऊंगा, बिल्कुल भी भाई टायर स्किड नहीं करेंगे और उसका आपको मैं बिल्कुल प्रूफ भी दूंगा, चलता सबूत ठोस सबूत। तो पहले गाड़ी की है ना स्पीड थोड़ी इनहेंस कर लेता हूँ, भाई खाली रोड है इसलिए ट्राई कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज भाई कहीं करता भी नहीं मैं और रोड्स भी स्लिपरी हैं। तो जैसे गाड़ी की स्पीड भाई मैंने कर ली अभी 60 पे कर ली, एकदम सडन ब्रेक करता हूँ। अब भाई आपको आवाज आई होगी मैंने भाई बिल्कुल इतनी सडन ब्रेक करी है कि मतलब जो है ना गाड़ी भी मेरी बंद हो गई और पीछे अब गाड़ी भी आ गई एक, तो इनको जाने देते हैं। और हाँ मैंने बिल्कुल सडन ब्रेक करी है, आपने सोचा होगा गिट की आवाज़ क्या आई। अब भाई ये ABS इसी तरीके से काम करता है, ABS ने ना एक्टिवेट करा तो उसके बाद जो है
आप देख सकते हो कहीं पर भी है ना मेरा टायर स्लिप नहीं हुआ है, जबकि भाई रोड स्लिपरी है। अगर ज़्यादा तेज ब्रेक मारूंगा मैं तो ऑब्वियसली भाई ये मेरे बिल्कुल जो है टायर स्लिप हो जाते अगर इसके अंदर ABS ना होता। अब ABS है भाई इसके अंदर, ये देखो जैसा कि भाई वैसे बेस मॉडल है लेकिन यहाँ ABS की लाइट आ रही है ना, तो इसलिए आ रही है क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट ने जो है मैंडेटरी कर रखा है। अभी एक बार गाड़ी को घुमा लेते हैं और फिर आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ मैं यही सेम चीज़ कि किस हिसाब से ये वर्क करता है, और मैं आपको स्टीयरिंग भी कंट्रोल करके दिखाऊंगा कि इसमें जो है किस तरीके से ये गाड़ी जो है घूमती है या फिर क्या होता है। मतलब घूमेगी तो बिल्कुल नहीं गाड़ी भाई, क्योंकि ABS का काम ही वही है वो, और जितना भी मैं कंट्रोल करूंगा ना गाड़ी को वो फुल्ली कंट्रोल में रहेगी। बेसिकली काम ABS का यही है। तो अभी रिक्वायर है ना, रोड खाली हो जान देते हैं, उधर से एक गाड़ी आ रही है, फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मोड़ के खड़ी कर लेता हूँ। देखो भाई ये गत्ता भी भीग गया, मतलब दरवाजा भी भीग गया, बारिश आ रही है ना, और ये मेरे ख्याल से बंद नहीं होने वाली भाई, ये पूरे टाइम होगी होगी। हाँ भाई ऑल राइट, अब है ना पूरी तरीके से जो है सड़क खाली हो चुकी है, और अपनी गाड़ी की स्पीड बना देते हैं फिर से, और फिर मैं आपको ब्रेक मारते टाइम इस टाइम स्टीयरिंग भी थोड़ा जो बहुत जो है घुमा के दिखाऊंगा। पीछे कोई नहीं है अपने, ये देखो भाई अगर मैंने भाई स्टीयरिंग काटा तो बिल्कुल भी गाड़ी जो है डिसबैलेंस नहीं हुई अपनी, एज इट इज खड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल नहीं घूमूंगा। देख सकते हो भाई आप 1% भी कहीं से टायर स्किड हुआ हो तो गाड़ी मैंने, और एकदम मैंने भाई जल्दी रुक जाती है गाड़ी अगर आपकी गाड़ी के अंदर ABS है। अगर ABS नहीं है तो भाई वो रगड़ती हुई, अगर इसमें ABS नहीं होता ना, मैंने वहां ब्रेकिंग स्टार्ट करी थी, वहां से लेके वहां जाकर रुकती, और रुकती भी नहीं रुकती भाई उसका भी नहीं पता, लेकिन इसमें एटलीस्ट मेरी ब्रेक यहाँ की यहाँ रुक गई। तो ब्रेक है ना भाई 100% अपना जो है पोटेंशियल निकालती है अगर आपकी गाड़ी के अंदर ABS EVD है तो। तो भाई कुल मिला के गवर्नमेंट पागल नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसे ही नहीं ये जो है आपका निकाला है भाई। रेट तो बढ़े हैं गाड़ियों के, वो बात तो भाई जायज है, लेकिन भाई कुछ फीचर्स ऐसे दे दिए जो कि मैंडेटरी कर दिए उन्होंने, कंपनी नहीं दिया करती थी बेस मॉडल के अंदर, टॉप में सारे दिया करती थी लेकिन भाई बेसिक में नहीं दिया करती थी, और उन्हीं फीचर्स की वजह से भाई जो है ना गाड़ी पे चलना इतना आसान हो पा रहा है, और है ना आज के टाइम में रोड की दुर्घटनाएं इतनी कम हो रही हैं, और सरकार भाई हमारा बहुत अच्छा जो है ध्यान रख रही है, जितने भी व्हीकल ओनर्स हैं, कार्स ओनर्स हैं, टू व्हीलर ओनर हैं, जितने भी व्हीकल ओनर हैं सबका बढ़िया ध्यान रख रही है। और भाई अपने वीडियो में एनिमेशन भी देखी होगी कैसे एक गाड़ी जो है मतलब जिसके टायर लॉक हो जाते हैं वो रगड़ती हुई चली जाती है स्किड होती हुई, और जिसके टायर्स लॉक नहीं होते जिसमें ABS होता है वो भाई बहुत अच्छे से अपना प्यार से रुक जाती है। तो बेसिकली मेरा भाई यही एक फंडा था बनाने का कि भाई आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं ABS है कौन सी भला, ABS और EBD। तो भाई कैसी लगी, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना भाई लाइक जरूर कर देना यार, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।